हेलो। चलो तो हम लोग यहाँ पे जैसे कि जो आउटर मोस्ट लेयर का जो स्टडी कर रहे हैं, तो इसमें हम लोगों ने एक तो जो सेल वॉल जो बना हुआ है, ओके, तो सेल वॉल जो है जिसमें हम लोगों ने एल्गी का सेल वॉल देखे थोड़ी देर पहले। एल्गी का जो सेल वॉल है वो किसका बना होता है बेटा? कैल्सियम कार्बोनेट का। एटम्स का जो सेल कार्बोनेट वॉल है वो किसका बना होता है? सिलिकॉन ऑक्साइड। उसके बाद फिर नेक्स्ट हम लोगों ने जो स्टडी किए थे कि जो यंग प्लांट होता है उसमें प्राइमरी वॉल जो होती है वो ग्रोथ के लिए कैपेबल होता है। इसमें कुछ सब्सटेंस डिपॉजिट हो जाएगा, डिपॉजिट होने के बाद फिर फॉर्म जो होती है बेटा वो कहलाती है सेकेंडरी वॉल। अब सेकेंडरी वॉल जो होती है कहाँ पे बेटा? इनर साइड में होती है, टुवार्ड्स द मेम्ब्रेन, ठीक है, इनर साइड ऑफ द सेल। अब इनर साइड ऑफ द सेल एक डायग्राम की हेल्प से यहाँ पे हम समझेंगे, जिसमें आप लोगों को और भी अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो देखिए बेटा, जैसे कि यहाँ पे जो आप लोगों को डायग्राम दिखाई दे रहा है, तो इस डायग्राम में जो इनर साइड ऑफ द सेल सेकेंडरी वॉल का फॉर्मेशन जो हो रहा है, तो देखो यहाँ पे जो डायग्राम आप जैसे कि देख पा रहे हो, तो इस डायग्राम में यहाँ पे ये वाला स्ट्रक्चर पे फोकस करो पहले। इतने पार्ट को जब हम लोग जूम कर रहे हैं तो ये दोनों भी साइड में आपको यहाँ पे उसका विजुअलाइजेशन बताया हुआ है। अब ये जो दोनों भी साइड में इसका जो विजुअलाइजेशन है, तो पहली चीज तो यहाँ पे ये जो बीच में ये जो सब्सटेंस आपको दिखाई दे रहा है ये हो गया मिडल लैमिला, ओके। उसके बाद अब यहाँ पे जो मिडल लैमिला जो यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है, तो इसके साथ साथ बेटा इधर साइड में ये प्लांट सेल का एक एक ये वाला हिस्सा हो गया और ये जो हो गया दूसरा पार्ट हो गया। मतलब देखो ये एक इधर साइड का हो गया ये पार्ट और एक ये इधर साइड का हो गया। तो इन दोनों के बीच का हम लोग यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं। तो दोनों के बीच की जो स्टडी कर रहे हैं, तो बेटा सबसे पहले तो मिडल लेमिला हो गई। मिडल लेमिला के जस्ट इनर पार्ट में क्या होगा बेटा? प्राइमरी वॉल दिखाई दे रहा है और प्राइमरी वॉल के इनर साइड में जो डिपोजिट हो रहा है कुछ केमिकल सब्सटेंस, जिससे थ्री लेयर ऑफ सेकेंडरी वॉल का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, देखो यहाँ पे आप लोगों को प्राइमरी वॉल दिखाई दे रही है, प्राइमरी वॉल के बाद फिर थ्री लेयर ऑफ सेकेंडरी वॉल एंड मिडल लेमिला। मिडल लेमिला पे फोकस करो बेटा, कौन सा पार्ट हो गया मिडल लेमिला? ये वाला पार्ट जो हो गया ये मिडल लेमिला। फिर मिडल लेमिला के बाद जो वॉल रहेंगी वो कौन सी आएंगी बेटा? ये वाली जो वॉल आएंगी ये क्या हो गई? प्राइमरी वॉल। प्राइमरी वॉल के बाद फिर इधर साइड जो वॉल आएगा ये कौन सा आएगा? सेकेंडरी वॉल, ओके। सेम यही वाला जो पार्ट है आप इस डायग्राम में भी देख सकते हो अगेन। तो देखिए बेटा यहाँ पे ये वाला पार्ट जो है प्लांट सेल वॉल लेयर, मिडल लेमिला, प्राइमरी वॉल और सेकेंडरी वॉल दिखाई दे रहा है अच्छी तरह से, ओके गुड। तो इस तरह से बेटा जब प्राइमरी वॉल मैच्योर हुआ, कुछ केमिकल सब्सटेंस डिपोजिट हुआ जिससे सेकेंडरी वॉल बनेगा। अब हम लोगों ने बेटा यहाँ पे एक अच्छी सुबेरिन का स्टडी किए थे, याद है आप लोगों को? सुपेरिन जो होता है बेटा ये प्रेजेंट होता है कहाँ पे? कॉल सेल में। लिग्निन का यदि डिपोजिशन देखिए तो लिग्निन जो होता है ये फाइबर सेल जो होती है वहां पर लिग्निन डिपोजिट होगा, ओके। चलो अभी इसके बाद नेक्स्ट पोर्शन जो है, जैसे कि यहाँ पे जो आप लोगों को जो दिखाई दे रहा है, ठीक है, जो हमारे एनसीईआरटी के स्लाइड में है वो है मिडल लेमिला। अब मिडल लेमिला को हम लोग समझते हैं सबसे पहले। तो बेटा मिडल लेमिला की यदि हम बात करें तो फर्स्टली आप देखिए, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमको एक बिल्डिंग का बिल्डअप करना है, तो बिल्डर्स जो है सबसे पहले जैसे कि क्या करेगा, ये एक ईटो ईटो को जो है आपस में ज्वाइन कराएगा। तो इस तरह से ये ईटो के टुकड़े को क्या करेगा बेटा? बीचों बीच में जो है किसका यूज करता है वो जोड़ने के लिए? सीमेंट का। तो ये सीमेंटिंग लेयर इस तरह से यहाँ पे रहेंगी, ये सीमेंट रहेगा जिससे दो ईट ज्वाइन हो गई, फिर यहाँ पर भी सीमेंट रहेगा इससे ईट ज्वाइन हो गई, इस तरह से यहाँ पर भी सीमेंट लेगा वो। और सीमेंट लेने के बाद फिर उसी के साथ साथ फिर क्या होगा बेटा? उसके बाद आगे इधर भी इस तरह से ईटों को ये ज्वाइन करेगा। तो इस तरह से बेटा एक बिल्डिंग जो है वो बनती है। तो एज इट इज बेटा सिमिलर यदि हम लोग यहाँ पर देखिए, तो ये जो सीमेंटिंग लेयर जो है, जैसे कि सपोज यहाँ पे प्लांट में इस तरह से ये जो सेल्स है इन सेल को ज्वाइन करना है, तो सेल को ज्वाइन करने के लिए इनके बीचों बीच में जो एक लेयर जो आएगी, ठीक है,
वो कहलाता है मिडल लैमेला। मीन्स इसका बना होता है ये कैल्शियम एक्टेट का बना होता है जो होल्ड कर सकता है नेबरिंग सेल्स को। क्लियर हुआ? हेलो, यहाँ तक क्लियर है सभी लोगों को? यस सर। स्क्रीन शेयर नहीं हो रही है सर? स्क्रीन शेयर नहीं हो रही है, शेयर करता हूँ एक बार। अभी जिसका प्रॉब्लम था देखना बेटा, अभी शेयर हुआ क्या अभी स्क्रीन? नहीं सर। किसका प्रॉब्लम बेटा ये? सर हर्ष, एक काम करो बेटा, ल्यू मीटिंग करके रीज्वाइन करना मीटिंग को, नेटवर्क में रहकर ज्वाइन करना। हाँ सर। ठीक, 70 पार्टिसिपेंट आए थे बेटा, अभी 63 पार्टिसिपेंट है। कुछ लोग कहाँ गए आई डोंट नो, ठीक है, शायद नेटवर्क कनेक्टिविटी आ गई थी। अभी मैं एक स्क्रीनशॉट ले रहा हूँ आपकी प्रेजेंटी के लिए, ओके। जो लोग एब्सेंट थे वो लोग बाद में बता देंगे, और जिसका नहीं आया वो जैसे मैं आपका प्रेजेंटी अपलोड करूंगा आप लोग मुझे बता दोगे। जस्ट अ मिनट, ये रियलमी C2 कौन है आई डोंट नो, ये एबसेंट हो जाएगा आज की क्लास में, पहले बताया था। और ये श्रुति का बेटा तपस्या, आप लोगों का पूरा फुल नेम क्या है? तुषार, पूनम, DDS में इसी तरह से रजिस्टर्ड है क्या आप लोगों के नेम? जिस तरह से आपका नेम रजिस्टर्ड है, आपके अटेंडेंस जो होती है आप उसी तरह से रखोगे तो आप एजेंटी उसी तरह से जाएगा। आप एबसेंट हो जाओगे क्लास में तो फिर आप लोगों का खुद का सेल्फ प्रॉब्लम रहेगा, बाकी से जो बात रहेंगी वो जो भी रहेगा फिर मुझे नहीं मालूम, ऑफिस के अकॉर्डिंग जो होगा वो आप देखो। आगे देखिए बेटा, अभी यहाँ पे हम लोग जो देख रहे हैं सेल वॉल एंड मिडल लैमेला जो है, जैसे कि थोड़ी देर पहले हम लोगों ने जो स्टडी की है तो उसमें हम लोगों ने सीमेंटिंग लेयर का स्टडी तो कर लिया है। अब देखिए बेटा यहाँ पे, अब प्लांट में जो है जैसे कि सेल्स जो यहाँ पे प्रेजेंट है, तो यहाँ पे जो सेल्स जो प्रेजेंट है तो ये जैसे कि सपोज ये एक प्लांट सेल हो गया, अगेन ये एक और प्लांट सेल हो गया, अगेन ये एक और प्लांट सेल हो गया। अब बेटा ये जो प्लांट सेल है, ओके, तो यहां पे ये जो प्लांट सेल है इनके बीचों बीच में इस तरह से सीमेंटिंग लेयर प्रेजेंट है, एक तो सेल वॉल भी प्रेजेंट है यहां पर, ओके, यहाँ पे एक तो इनके बीचों बीच में यहाँ पे इस तरह से सेल वॉल भी प्रेजेंट है और उनको कनेक्ट किए हुए यहाँ पर मिडल लैमेला जो है, मतलब सेल वॉल का ही सब्सटेंस है वो पार्ट है मिडल लैमेला ऑफ सेल। तो अभी यहाँ पे देखिए ये जो है बेटा ये होते हैं नॉन लिविंग। अब जब नॉन लिविंग यहाँ पे सब्सटेंस जो प्रेजेंट है और अभी यहाँ पे जो कि सेल में जो भी लिविंग सब्सटेंस जो कि है प्रोटोप्लाज्म, और इस प्रोटोप्लाज्म का आपस में कम्युनिकेशन यदि यहाँ पे करवाना है तो ये कैसे होगा? ठीक है, एक सेल को दूसरे सेल से जोड़ के तो रखा है मिडल लैमेला ने, लेकिन यहाँ पे बेटा प्लांट में आपस में सेल कम्युनिकेट कैसे करेगी? जैसे यदि हम यहाँ पे एनिमल सेल की बात करते हैं तो एनिमल सेल में बेटा एक लिविंग बाउंड्री यहाँ पे प्रेजेंट है सेल मेम्ब्रेन, तो एनिमल सेल डायरेक्टली कम्युनिकेट हो गया, ओके। अब यहाँ पे जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको और मुझको आपस में जो कनेक्ट करके रखा है, कम्युनिकेट करके रखा है, तो वहां पे कोई ना कोई टेलीफोन वायर है, वायरिंग का नेटवर्क इधर उधर फैला हुआ है जिसकी वजह से आज हमारा कम्युनिकेशन बना हुआ है। बट यहाँ पे भी बेटा हमको जो कम्युनिकेट करना है तो उसके लिए फिर हमें जो नीड होगा वो किस चीज का नीड होगा बेटा? टेलीफोन के वायर का। अब इस तरह से बेटा यदि हम लोग यहाँ पे टेलीफोन के वायर को यहाँ पे इस तरह से उसका नेटवर्क यदि यहाँ पे हम लगा देते हैं तो तीनों भी सेल आपस में कम्युनिकेट हो जाएगी। तो अब ये तीनों भी सेल जो आपस में कम्युनिकेट हो रहा है और इनका जो साइटोप्लाज्म जो कम्युनिकेट हो रहा है, तो एक यहाँ पे जो थ्रेड लाइक एक स्ट्रक्चर जो बना हुआ है, इस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को कहते हैं प्लाज्मोडेस्माटा, जो
साइटोप्लाज्म ऑफ नेबरिंग सेल्स जो है इसको आपस में कनेक्ट करके रखा हुआ है। आई होप ये वाला पार्ट आपको बहुत अच्छे से अभी समझ में आ गया होगा। 65 पार्टिसिपेंट, ओके ठीक। नेक्स्ट, ये डायग्राम समझ लिया हम लोगों ने। जैसे कि थोड़ी देर पहले हम लोग यहाँ पे जो स्टडी कर रहे थे, अगेन बेटा इस डायग्राम को देख लो। जो सेकेंडरी वॉल जो होती है, सेकेंडरी वॉल का यदि हम लोग स्टडी करें तो इसमें पहली चीज तो बेटा ऐसे थ्री लेयर ऑफ सेकेंडरी वॉल होती है, जिसको S1, S2 और S3 से रिप्रेजेंट करते हैं, ओके। फिर उसके बाद इनर साइड में टर्शियरी वॉल है। यहाँ पे आप लोगों को ये जो दिखाई दे रहा है, ये हो गया बेटा मिडल लैमेला। मैंने एक दूसरे डायग्राम में उसको हाईलाइट किया, यहाँ पे समझ लो। तो देखो बीचों बीच में आपको दिखाई दे रहा है मिडल लैमेला। मिडल लैमेला के बाद फिर साइड में यहाँ पे ये जो है बेटा, ये क्या हो गया, मिडल लैमेला के बाद प्राइमरी वॉल। फिर प्राइमरी वॉल के बाद फिर इनसाइड में यहाँ पे जो आएंगी वो क्या आ जाएगी बेटा, सेकेंडरी वॉल। फिर उसके बाद टर्शियरी वॉल, और उसके बाद फिर आएगा प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म से स्ट्रक्चर जो है ये बना होता है, ओके। अब जैसे कि थोड़ी देर पहले हम लोगों ने जो यहाँ पर सेल वॉल का जो स्टडी किए थे, तो इसमें बेटा हम लोगों ने जैसे एल्गी का सेल वॉल जो देखे थे, जिसमें हम लोगों ने देखे थे सेलुलोज। अब सेलुलोज क्या होता है, हम लोगों ने लास्ट क्लास में बायोमोलिक्यूल का जब हमने स्टडी किए थे, वहां पे हम लोगों ने देखे थे किससे बना होता है सेलुलोज बेटा, किसका पॉलीमर होता है सेलुलोज। 66 पार्टिसिपेंट बेटा, स्टार्च का होमोपॉलीमर होता है। होमोपॉलीमर होता है, किससे बना होता है, बॉन्डिंग कौन से होते हैं इसमें, कल्याणी गुट, तपस्या गुट, दुष्यंत, लैक्टोज, राइट। जंत का क्वेश्चन है कि प्लाज्मोडेजमेटा भी प्लांट सेल को यूनियन करता है सर। हाँ बेटा, आपका शायद बहुत देर पहले था, क्या था दुष्यंत क्वेश्चन आपका, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। ओके, तो सेलुलोज जो है किससे बना हुआ है, ग्लूकोज से, ओके। अब एक एनिमल है बेटा जिसे ट्यूनिकेट्स कहते हैं, क्या कहते हैं, ट्यूनिकेट्स। ट्यूनिकेटा हम लोग पढ़ेंगे, तो एनिमल किंगडम पढ़ेंगे तो वहां पे हम कॉर्डेट पढ़ेंगे। कॉर्डेट में यूरोकॉर्डेटा आता है, और यूरोकॉर्डेटा में ट्यूनिकेट्स। मैंने आप लोगों को लास्ट टाइम एनसीईआरटी देखने के लिए कहा था, याद आ रहा हूँ आपको, ट्यूनिकेट्स याद है किसी को, हेलो। यस सर, सेल वॉल पढ़ाया था मैंने आप लोगों को, किसे याद आ रहा, देखते हैं। अब हाँ अदिति, अमृता, याद है कुछ, यूरोकॉर्डेटा, एनिमल किंगडम कॉर्डेटा, यूरोकॉर्डेटा, ट्यूनिकेटा। ट्यूनिकेटा का बेटा ये एक ऐसा एनिमल है जिसमें सेल वॉल देखने को मिलता है सेलुलोज का, मतलब वहां पे सॉरी डिपोजिशन जो होता है वो सेलुलोज का होता है, मींस उसे ट्यूनिसिन कहते हैं। क्या कहते हैं उसे, ट्यूनिसिन। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है ट्यूनिसिन किसमें होता है, या फिर ट्यूनिसिन ऑफ ट्यूनिकेट्स, ठीक है। यहाँ पे ट्यूनिसिन ऑफ ट्यूनिकेट्स जो है यदि हम देखे तो ये किसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है, ट्यूनिकेट्स का, जो यूरोकॉर्डेटा में आता है, ओके। तो चलो थोड़ा सा सेलुलोज को हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं जो ऑलरेडी हम लोगों ने स्टडी किए। तो यहाँ पे देखिए बेटा, जैसे कि हम सेलुलोज के बारे में हम स्टडी करें, तो सेलुलोज जो है पहली चीज तो ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है जो की पॉलीसेकेराइड है। जो बॉन्डिंग होती है यहाँ पे बीटा डी ग्लूकोज होता है। सेलुलोज जो होता है बेटा प्राइमरी स्ट्रक्चरल कंपोनेंट होता है किसका, ग्रीन प्लांट का। साथ ही साथ बेटा सेकेंडरी वॉल जो होता है वहां पर भी सेलुलोज कंटेन होता है, और साथ ही साथ यहाँ पे वेरिएबल अमाउंट के साथ होता है लिग्निन का और हेमी सेलुलोज का। और लिग्निन और सेलुलोज जब आपस में ज्वाइन होते हैं तो इस टर्म को कहते हैं लिग्नो सेलुलोज। और लिग्नो सेलुलोज जो है बेटा मोस्ट कॉमन बायोपॉलीमर है अर्थ में, MCQ का क्वेश्चन। लिग्नो सेलुलोज क्या बेटा, ये मोस्ट कॉमन बायोपॉलीमर ऑन अर्थ, ये आप लोगों को याद रखना है। इसी के साथ साथ जैसे कि मैंने आपको बताया कि ओनली वन ग्रुप ऑफ एनिमल कौन सा है, ट्यूनिकेट्स। इसमें एबिलिटी होती है ये क्रिएट कर सकता है और यूज कर सकता है सेलुलोज, ओके।
फिर इसके बाद बेटा कुछ एसिटिक एसिड बैक्टीरिया होते हैं, एसिटोबैक्टर कहते हैं जिसे। ये बैक्टीरिया में भी एबिलिटी होता है बेटा कि सेलुलोज को ये सिंथेसाइज कर पाए। सेलुलोज को सबसे पहले डिस्कवर करने वाले साइंटिस्ट थे पाइन, और एस्टिमेट यदि हम देखें एनुअल प्रोडक्शन जो होता है सेलुलोज का वो होता है बेटा 1.5 × 10⁻⁹ टन्स, इतना एस्टिमेट है बेटा टोटल एक साल में इतना सेलुलोज प्रोडक्शन होता है। अब बहुत इंपॉर्टेंट डेटा बेटा, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है जो एनसीईआरटी के अलग अलग जगह पे आपको मिलेगा, डायरेक्टली आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा एनसीईआरटी में, लेकिन ये क्वेश्चन बेटा पूछे जाते हैं और एनसीईआरटी में कहीं ना कहीं दिया हुआ है। कुछ केमिकल्स जो है बेटा जो डिपोजिट होते हैं सेकेंडरी वॉल पे, अभी सेकेंडरी वॉल क्या समझ में आ रहा है, प्राइमरी वॉल सेकेंडरी वॉल, एनसीईआरटी ने सिर्फ टर्म बता दिया लेकिन होता क्या नहीं समझाया है। अभी हम लोगों ने डायग्रामेटिकली उसका स्टडी किया तो हमको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ रहा है कि क्या होता है। तो सेकेंडरी वॉल जो है बेटा किसका है, ये सेल वॉल का पार्ट है। अब सेकेंडरी वॉल की यदि बात करें थोड़ा सा पहले, हम लोग आगे बढ़ने से पहले हम लोग अगेन यहाँ पे हम लोग स्ट्रक्चर को देख लेते हैं बेटा। तो देखिए बेटा सेल वॉल जो कंसिस्ट होता है, ठीक है, सेल वॉल जो, अब ये देखिए ये जो नोट्स है मैं एक रेफरेंस के लिए ले रहा हूँ, इसलिए इसमें आप लोगों को इसका जो फॉन्ट साइज है हो सकता है थोड़ा छोटा मिले, ठीक है, तो टेंशन नहीं लेना, सिर्फ समझने के पर्पज से हम लोग देख रहे हैं ताकि आपको एनसीईआरटी बहुत अच्छी तरह से समझ में आए। ओके, तो यहाँ पे देखिए बेटा, बाकी आप इसका स्क्रीनशॉट लेके जूम करके बाद में स्टडी कर सकते हो, स्क्रीनशॉट यूट्यूब के लेक्चर से ही ले, ठीक है, समझ गए, क्लियर हो बेटा। हेलो सभी लोग यूट्यूब का लेक्चर देख रहे हो क्या, रिविजन कर रहे हैं? कितने लोगों ने अभी तक के लेक्चर्स जो अटेंड कर चुके हैं यूट्यूब से, गौरव, बाकी अभी देखो अटेंड कर रहे हो या नहीं कर रहे मुझे कैसे पता चलेगा, अभी मुझे जितने भी लेक्चर्स होंगे और आज भी जो अपलोड होगा सभी के मुझे लाइक चाहिए यूट्यूब पर, समझ गए, जितने लाइक्स दिखेंगे उससे मुझे समझ में आएगा कितने लोगों ने यूट्यूब पे लेक्चर देखे हैं। तो सभी लोग यूट्यूब पे लेक्चर देखेंगे और देखने के बाद सभी लोग लाइक वहां पे लाइक पे क्लिक करोगे, जस्ट वीडियो के नीचे लाइक का ऑप्शन आता है उस पर क्लिक करूंगे। अभी भी देखो मुझे सिर्फ 5 से 6 स्टूडेंट ही दिख रहे हैं जिन लोगों ने यूट्यूब का लेक्चर अटेंड किया है। ओके, मैं सभी की रिपोर्ट लूंगा, रिपोर्ट के साथ साथ क्वेश्चनिंग रहेंगी, फिर ऑनलाइन क्लास भी होने वाला है हमारा, समझ गए। तो अभी यूट्यूब पे लेक्चर देखना है, जितने भी प्रीवियस लेक्चर है वो भी देखोगे और आगे के भी देखोगे, और देखने के बाद हर वीडियो पे वहां पे लाइक पे क्लिक करोगे जिससे आपका एक प्रूफ होगा कि नहीं आप देख रहे हो और रिविजन कर रहे हो सही तरह से। और ये बेटा आप लोगों के लिए बेनिफिट में ही रहेगा, कुछ भी चीज वेस्ट नहीं होगी। और अभी देखिए बेटा मैं हाई एचडी क्वालिटी में किसी भी लेक्चर को अपलोड नहीं कर रहा हूँ, एचडी क्वालिटी में मैं यदि लेक्चर को अपलोड करता हूँ तो आपको ऑडिंग में भी इम्प्रूवमेंट मिलेगा, वीडियो के पिक्सल में भी इम्प्रूवमेंट मिलेगा, बट आपका नेट डेटा एमबी उतना ही ज्यादा लॉस्ट होगा, और साथ ही साथ फिर यहाँ से भी आपको थोड़ा सा नेटवर्क का इशू चल रहा है और हमारे पास ब्रॉडबैंड नेटवर्क नहीं है फिलहाल, तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, इसलिए हम हाई डेफिनेशन पे नहीं जा रहे अभी फिलहाल। ओके, क्लियर हो गया। तो अभी देखिए आगे का पोर्शन, वेरी गुड, बहुत से लाइक्स मिल चुके हैं मुझे अभी यहाँ पर, लेकिन बहुत से लोगों ने नहीं देखे अभी भी। बेटा किसी को यूट्यूब के वीडियो देखने में प्रॉब्लम हो रहा है तो पूछिए, और आपको प्रॉब्लम आ रहा था इसलिए मैं लिंक आपके ग्रुप में भी आपको दे रहा हूँ। ओके, क्लियर हो गया। 64 पार्टिसिपेंट है, शायद 62 या 63 लोगों का ही स्क्रीनशॉट गया है, ठीक है, 65 पार्टिसिपेंट है, कुछ ज्वाइन और रिज्वाइन हो रहे हैं। तो फिर यहाँ पे आप लोगों का जिसका अटेंडेंस नहीं होगा बाद में मुझे नेम भेज देना, मैं पहले वाले स्क्रीनशॉट से देख लूंगा आप लोगों को, ठीक है, क्योंकि मैं एक ही फाइनल वाला स्क्रीनशॉट शेयर करूंगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अभी नेक्स्ट, कई पेरेंट्स से वैसे बात हुई है, वो लोग बताए हैं, कुछ लोग जॉब पे हैं जिसकी वजह से जो है अटेंड नहीं कर पा रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, वो लोग यूट्यूब से देख रहे हैं, तो जो लोग बेटा यूट्यूब से ही लेक्चर देख रहे हैं उनका एक लिस्ट मुझे अलग से चाहिए, ठीक, उन लोगों को बता देना आपके यदि कॉन्टेक्ट में होंगे तो, ठीक। तो यहाँ पे हम लोग बेटा क्या देख रहे थे, स्ट्रक्चर ऑफ सेल वॉल देख रहे थे जो कंसिस्ट होता है मिडल लेमिला, प्राइमरी वॉल, सेकेंडरी वॉल और टर्शियरी वॉल, ठीक है। मिडल लेमिला जो होता है बेटा एक सीमेंटिंग लेयर होता है जो दो सेल को जोड़ने का काम करता है, ठीक है। इसी के साथ साथ ये किसका बना होता है, क्वेश्चन एग्जाम में आता है, जो कैल्शियम और मैग्नीशियम पैक्टेड, याद है हम लोगों ने मिनरल न्यूट्रिशन पढ़े थे, वहां पे हम लोगों ने देखे थे मिडल लेमिला, और मिडल लेमिला के फॉर्मेशन में कैल्शियम और मैग्नीशियम का रोल होता है, पढ़ाया था मैंने आपको, याद होगा, कैल्शियम और मैग्नीशियम पैक्टेड से मिडल लेमिला बनता है, वेरी गुड। उसके बाद देखिए फ्रूट्स की सॉफ्टनिंग जो देखने को मिलती है बेटा, उसमें जो सॉफ्टनिंग जो होती है वो किसकी वजह से होती है बेटा, जिलेटिनाइजेशन ऑफ पैक्टिक कंपाउंड जो कि मिडल लेमिला में प्रेजेंट होता है,
चलो नेक्स्ट प्राइमरी वॉल देखेंगे। यहाँ पे आप लोग बेटा ये जो डायग्राम है, इस डायग्राम को देख पा रहे होंगे कि किस तरह से होता है एक प्लांट सेल का। इसी डायग्राम को यहाँ पे बताया हुआ है, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले डायग्राम बताया था, मिडल लेमिला था, फिर प्राइमरी वॉल था, और उसके बाद फिर सेकेंडरी वॉल S1, S2 और S3 आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा हूँ। ओके, तो इस तरह से प्लांट सेल का स्ट्रक्चर है। फिर प्राइमरी वॉल जो होता है, जैसे कि हम लोगों ने यंग प्लांट के बारे में जो स्टडी की है, ठीक है, तो जो यंग प्लांट जो है, यंग प्लांट में यदि हम देखें तो यंग प्लांट में क्या चीज बेटा, जो फॉर्म होता है एक सिंगल लेयर ऑफ वॉल मटेरियल प्रेजेंट होता है, ठीक है, थिन इलास्टिक होता है, एक्सपांशन एक टर्म यहाँ पे यूज किया हुआ है बेटा, एक्सपांशन मीन्स जो इलास्टेबल है और साथ ही साथ उसी की वजह से बेटा ग्रोथ हो रही है। सेकेंडरी वॉल हम लोगों ने स्टडी की थोड़ी देर पहले, S1, S2, S3 आप इतना याद रखोगे ये कहाँ कहाँ देखने को मिलती है, फाउंड इन कोलेनकाइमा है, स्क्लेरेनकाइमा, ठीक है, वो भी किसमें बेटा, सेल्स ऑफ जाइलम वेसल्स। तो जाइलम वेसल्स जो है बेटा, ठीक है, एक यहां देखने को मिलेगा, उसके बाद फिर स्क्लेरेनकाइमा सेल में देखने को मिलेगा और साथ ही साथ पैरेनकाइमा सेल में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो स्क्लेरेनकाइमा, पैरेनकाइमा और जाइलम वेसल्स में जो है क्या देखने को मिलता है, डायग्राम देखते हैं हम लोग। ओके, तो पहली चीज तो बेटा जाइलम का स्टडी हम लोगों ने किए, और जाइलम में भी मैंने आप लोगों को यहाँ पे जो बताया, क्या बताया, जाइलम वेसल्स। तो जैसे कि बेटा ये हम लोगों ने अब प्लांट एनाटॉमी हम लोग स्टडी करेंगे, ये कैम्बियम होता है, इधर साइड फ्लोएम है और इधर साइड जाइलम है, और जाइलम के बेटा 4 टाइप्स होते हैं, जिसमें ट्रैकेट्स होता है, जाइलम जो एलिमेंट्स है, ठीक है। तो जिसमें एक पार्ट होता है जाइलम वेसल्स, जाइलम वेसल्स जो है वो किसका बना होता है, ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। तो जाइलम वेसल्स जो है किससे बनता है बेटा, या फिर जाइलम वेसल्स में क्या होती है, ये ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। सेकेंडरी वॉल जाइलम वेसल्स में देखने को मिलेगी। स्क्लेरेनकाइमा की यदि हम बात करें तो बेटा प्लांट टिश्यू जो होते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो 3 टाइप के प्लांट टिश्यू होते हैं, पैरेनकाइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेनकाइमा, ठीक है। तो यहाँ पर जो प्लांट टिश्यू प्रेजेंट है, इनका क्रॉस सेक्शन देखे तो कुछ इस तरह से इंटरफेरेंस होता है, प्लांट एनाटॉमी में हम और डिटेल में पढ़ेंगे, सिर्फ आप देख लो अभी। तो इसमें बेटा स्क्लेरेनकाइमा और कोलेनकाइमा जो होता है वहां पे भी डिपोजिट होता है, सेकेंडरी वॉल देखने को मिलेगी। ओके, जैसे कि हम यहाँ पर देख रहे हैं। फिर आता बेटा टर्सरी वॉल, ठीक है, ये सारे एमसीक्यू क्वेश्चन है जो बता रहा हूं मैं, ठीक। ट्रैकेट्स ऑफ जिम्नोस्पर्म जो होता है, यहाँ पर भी सेकेंडरी वॉल देखने को मिलती है बेटा, ठीक। तो सम टाइम टर्सरी वॉल जो है लेट डाउन द सेकेंडरी वॉल, ट्रैकेट्स ऑफ जिम्नोस्पर्म जो कि कंपोज होता है सेलुलोज से, और जाइलम और जाइलेन, सॉरी जाइलेन और अनदर पॉलीसेकेरेट, ये जो है बेटा टर्सरी वॉल में देखने को मिलेंगे, ये कंपोजिशन है। तो इसमें क्या है और किस तरह से है, ये सारी चीजें हम लोगों ने देखे। ये प्राइमरी वॉल और सेकेंडरी वॉल को लेकर के यहाँ पे कुछ डिफरेंस यहाँ पे दिए हुए हैं, ठीक है, थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ इसको मैं आपको, तो थोड़ा अच्छे से समझ में आएगा। ओके, तो यहाँ पे देखिए बेटा, वेट, तो यहाँ पे बेटा कुछ डिफरेंस है, बहुत ज्यादा डिटेल में हमको नहीं जाना, वैसे भी इसमें सिंपल से कंसेप्ट हमें मालूम होना चाहिए कि क्या क्या है इसमें। तो पहली चीज तो हम लोगों को यहाँ पे जो देखना है, प्राइमरी वॉल जो है, ठीक है, इनर टू मिडल लेमिला, ठीक है, सेकेंडरी वॉल जो होता है, ठीक है, उसके नीचे होता है, उसके बाद फिर ये ग्रोविंग सेल कैपेबल ऑफ एक्सटेंशन, सिंगल लेयर होती है, इस तरह से यहाँ पे ये कुछ डिफरेंस दिए हुए हैं। हेमिसेलुलोज का कंटेंट कितना होता है, प्रोटीन का कंटेंट कितना होता है, ये सब में आपको जो है सिंपल सा डेटा है जो आप लोगों को याद रखना, थोड़ा सा जूम आउट कर लेता हूँ जिससे आपको समझ में आएगा अच्छी तरह से। तो ये जस्ट एक बार रेफरेंस के लिए ऐसे ही रीड कर लेना है आप लोगों को, ठीक है। चलो आगे हम लोग नेक्स्ट पोर्शन जो है वो हम देखेंगे। तो इसमें जैसे कि हम लोगों ने जो स्टडी किया सेल वॉल के बाद बेटा सेल मेम्ब्रेन हम स्टार्ट करेंगे आज ही, और सेल मेम्ब्रेन के लिए आपको अगेन रिज्वाइन करना पड़ेगा लेक्चर को, ठीक है। तो सबसे पहले सेल वॉल का कुछ और भी पार्ट्स जो है, ये वाला जो हम देख रहे थे वो हम देखेंगे, और उसके बाद फिर से लेक्चर को रिज्वाइन करना है। तो देखिए यहाँ पे बेटा फॉलोइंग केमिकल्स आर डिपोजिटेड एज सेकेंडरी वॉल। तो सेकेंडरी वॉल जो है इसमें लिग्निन भी देखने को मिलेगा, क्यूटीन भी देखने को मिलेगा और सुपेरिन भी देखने को मिलेगा। लिग्निन जो होता है बेटा ये किसका पॉलीमर होता है, तो ये है बेटा कॉनिफेराइल एल्कोहल। अभी क्या होता है उतना डिटेल में नहीं जाना, सिर्फ नाम याद, कोनिफेराइल एल्कोहल है, इससे पॉलीमर जब होगा तो पॉलीमराइज होने के बाद लिग्निन फॉर्म होता है।
क्यूटीन जो है बेटा ये पॉलीमर होता है फैटी एसिड का, वैक्स लाइक मटेरियल होता है ये, तो वैक्स लाइक मटेरियल क्यूटीन जो कि ठीक है, वैक्स लाइक जो आउटर कोटिंग जो होता है ठीक है। फिर उसके बाद बेटा सुबेरिन जो है ये भी किसका पॉलीमर होता है, ये पॉलीमर होता है फैटी एसिड का। अब क्वेश्चन ये कि कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, तो बेटा कॉर्क सेल में जो डिपोजिशन होगा वो किसका होगा, सुबेरिन का होगा। प्लांट की एपिडर्मिस में जो डिपोजिशन देखने को मिलेगा वो क्यूटीन का मिलेगा। और क्यूटीन कुछ प्रॉब्लम है किसी को, किसी का राइज हैंड आया, कोई राइज हैंड किया अभी बेटा? गौरव, हर्षिता, क्या प्रॉब्लम बोलो? हाँ हर्षिता, पहले आदमी अभी आदमी आ रहा, क्या बोले बेटा? वो पहले आया था अभी आदमी आ रहा सामने, याद आ रहा। ओके, इमीडिएटली नोट करके रख लिया करो, चलो कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो आगे देखते बेटा, यहाँ पे देखिए क्या देख रहे हैं हम लोग, फॉलोइंग केमिकल्स आर डिपोजिटेड एट सेकेंडरी वॉल लिग्निन। लिग्निन पॉलीमर किसका होता है, लिग्निन कहाँ कहाँ पर डिपोजिट होता है बेटा, ये याद कर लो, ये स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है। स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू, जाइलम वेसल्स एंड जाइलम ट्रैकेट्स। क्यूटीन जो है प्लांट की एपिडर्मिस में देखने को मिलेगा, और सुगरीन जो है वो कॉर्क सेल वॉल। कॉर्क सेल वॉल, ठीक है। अभी आप लोगों का 5 मिनट्स का मैं कुछ क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आप लोगों से, स्क्रीन टाइम पे टेंशन नहीं लेना पड़ेगा ठीक है। और वन बाय वन जो है आप लोगों से क्वेश्चन यहाँ पे पूछूंगा, अब तक के जो भी मैंने आप लोगों को पढ़ाया हूँ उससे रिलेटेड ठीक। और कल इसी तरह से कुछ ऑनलाइन क्लास होंगे हम लोगों के, जिसमें आप लोगों को जो है रिस्पॉन्स करना है। तो पहली चीज तो बेटा आप लोग मुझे, जैसे कि शुरुआत तो हम आज से करते हैं ठीक है, ग्लूकोज में क्या होता है बेटा और किसमें होता है? सर आवाज नहीं आ रही। आवाज किसको नहीं आ रहा बेटा? हेलो, आवाज आ रहा है अभी? सर क्लियर नहीं आ रही, कट रही है आवाज, कट रही है। हेलो, अभी आवाज आ रहा है? हेलो, आप लोगों का भी आवाज ब्रेक हो रहा है मेरे तक के पर। ओके ठीक है, चैट में रिस्पॉन्स करेंगे। Am I audible clearly? सर ग्लूकोसामाइन पेप्टाइडो ग्लाइकन। हाँ बोलो बेटा। सर पेप्टाइडो ग्लाइकन ग्लूकोसामाइन का पॉलीमर होता है और वो बैक्टीरिया के सेल वॉल बनाता है। ओके, ये आभा का आंसर है क्या? हाँ सर। गुड बेटा, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों से, वन बाय वन सारी चीजें पूछ रहा हूँ मैं। सेल मेम्ब्रेन आप लोगों ने स्टडी कर लिए हो क्या? कुछ होमवर्क दिया था मैंने आप लोगों को, सेल मेम्ब्रेन का स्टडी हो गया है? यस सर। वॉइस आप लोगों का भी बहुत ब्रेक हो रहा है बेटा मेरे तक के, ठीक है। रॉबर्ट हुक की बुक का नाम बताएंगे? माइक्रोग्राफिया। उसके बाद नेक्स्ट आप लोग मुझे बताओगे लुईस पाश्चर का जो कॉन्ट्रीब्यूशन था वो कौन सा थ्योरी दिया था लुईस पाश्चर ने? लुईस पाश्चर ने एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया था वो प्री एग्जिस्टिंग सेल्स वाला। वेरी गुड, तो जो प्री एग्जिस्टिंग सेल्स थ्योरी का नेम टर्म क्या है? ओमनिसेलुला किसका था, कौन से साइंटिस्ट ने दिया इस टर्म को? रुडोल्फ फिशर ने दिया था। ये रुडोल्फ फिशर ने दिया था, स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी जो है बेटा लुईस पाश्चर ने दिया था। लुईस पाश्चर ने जो थ्योरी दिया था बेटा प्री एग्जिस्टिंग सेल से जो फॉर्म होता है उस थ्योरी को कहते हैं, क्या कहते हैं? स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी। रुडोल्फ फिशर का जो थ्योरी था वो क्या था? ओमनिसेलुला। ग्राम स्केलिंग टेक्निक में कौन कौन से रिएजेंट यूज होते हो बताएंगे? सभी को रिस्पॉन्स करना, कोई प्रॉब्लम नहीं बेटा, दे सकते हो जल्दी जल्दी, देखते किसका जल्दी आंसर आ रहा है। सैफरन, आयोडीन, हाँ, क्रिस्टल वॉयलेट। बेटा सीक्वेंस बताएंगे? निकिता धकाते, हाँ आप बताओ बेटा। निकिता बहुत दिनों के बाद दिखाई दे रहे हो, आप कहाँ थे? सर वो कल मेरी तबीयत खराब थी तो सोई। अभी ठीक हो गए? हाँ। चलो ठीक है, तो कल तो आपको थे नहीं। कस्तूरी आप आंसर दोगे मुझे, ग्राम स्टेनिंग में जो स्टेप बाय स्टेप जो है क्या क्या यूज होता है?
साहिल, वेरी गुड, वेरी गुड साहिल, बहुत सही आंसर आपने चैट में रिस्पॉन्स किए। माइक ऑन कर सकते हो सभी लोग अपने, और चैट भी ऑन कर सकते हैं जिसको जिस तरह से कंफर्ट हो रहा है आंसर देते जाएंगे। ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल में क्या डिफरेंस होता है, जल्दी से बताइए। सर ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया बैक्टीरिया जो है वो पर्पल कलर के रहते हैं और ग्राम नेगेटिव पिंक कलर के, बिकॉज ऑफ सैफ्रन। वेरी गुड, ईश्वरी का आंसर है ये? नहीं, अमृता। अमृता, गुड बेटा, ठीक। अभी हम लोगों ने राइबोसोम के बारे में स्टडी किए थे बेटा, राइबोसोम का फंक्शन क्या होता है कल्याणी? प्रोटीन सिंथेसिस का 3 स्टेप्स ऑफ मैकेनिज्म्स होता है जो देखे थे हम लोगों ने, था ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन और ट्रांसलोकेशन। पहले तो रेप्लिकेशन होता है, अभी मुझे ये बताओ प्लांट सेल और एनिमल सेल में जो सेल डिवीजन होता है, तो सेल जो डिवाइड होती है, जो साइटोप्लाज्म को डिवाइड करना होता है, तो उसके लिए कुछ मेथड वहां पे यूज होती है, वो क्या कहलाती है? प्लांट सेल में और एनिमल में सेल प्लेट्स होती है, और प्लांट्स में सेल प्लेट्स फॉर्म होती है और एनिमल्स में फरो मेथड होती है। वेरी गुड, ईश्वरी है ये? यस सर।